जहां कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। महासमुंद विधानसभा से रश्मि चंद्राकर को बनाया गया है उम्मीदवार, तो वहीं सरायपाली विधानसभा से चतुरी नंद को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महासमुंद से, जहां कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। महासमुंद विधानसभा से रश्मि चंद्राकर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सरायपाली विधानसभा से चतुरी नंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महासमुंद से, जहां कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि महासमुंद विधानसभा से रश्मि चंद्राकर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सरायपाली विधानसभा से चतुरी नंद को अपना प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं राजकुमार मधुकर जी। राजकुमार जी, कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? जी सीमा, कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में 7 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं जी। वहीं महासमुंद जिले के जो बाकी 2 विधानसभा सीटों में प्रत्याशी की घोषित नहीं हुई थी, उनमें कर दिया गया है। महासमुंद जिले के 2 विधानसभा, महासमुंद विधानसभा और सरायपाली विधानसभा में महिला प्रत्याशियों पर कांग्रेस पार्टी ने जो है भरोसा जताया है जी। महासमुंद विधानसभा से रश्मि चंद्राकर को उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष थी। वहीं सरायपाली विधानसभा से चतुरी नंद को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका सरायपाली विधानसभा में अच्छा खासी पकड़ है जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।